हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी में। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चंस नंबर एक में आपको 7 क्वेश्चंस रहते हैं, 6 सॉल्व करने के रहते हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस रहता है। क्वेश्चंस नंबर वंस में नंबर एक है, राइट अ फैक्टर अफेक्टिंग बायोबिलिटी। बायोबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन करने का। क्वेश्चंस नंबर टू है, व्हाट इज डिप्रेशन एंड ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन, मतलब जो डिप्रेशन को ट्रीट करेंगे उसकी क्लासिफिकेशन। क्वेश्चंस नंबर तीन है, व्हाट इज ग्लूकोमा एंड राइट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट्स ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है वो लिखने का है और उसकी क्लासिफिकेशन लिखने का है आपको। फिर क्वेश्चंस फोर है, राइट अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस एंड ब्रोंको डायलेटर। मसल रिलैक्सन क्या होता है और ब्रोंको डायलेटर, सॉल्बिटामॉल, टलबुटल, इंस वगैरह, वो लिखने का आपको इसके अंदर क्लासिफिकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर पाँच है, नोट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं वो लिखने हैं आपको, इसके अंदर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डेफिनेशंस वगैरह, क्लासिफिकेशंस एंड इस्ट्रोजन क्या होता है वो लिखना है। राइट अबाउट आपको आ सकता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं उसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। फिर उसमें बी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव जो ट्रीटमेंट्स करेंगे हाइपरटेंशन को, बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनॉल, बीटेनॉल, अल्फा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, कैप्टोपिरिन, आरप्रेट्स, ऐसे 10 क्लासिफिकेशन, ब्रोंको डायलेटर वगैरह, कैल्शियम चैनल, सब लिखना पड़ेगा आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह। फिर 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस एंड स्कोप, कहाँ पर उसका स्कोप है। फिर क्वेश्चंस नंबर 2 रहेंगे आपको, 11 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 सॉल्व करना पड़ेंगे। पहला आएगा आपको डिफाइन सीडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होता है, सीडेटिव क्या होता है, हिप्नोटिक क्या लिखा है वो होता लिखना है। क्वेश्चंस नंबर 2 है, शॉर्ट नोट ऑन नोट्रॉपिक ड्रग्स क्या होता है। नोट्रॉपिक ड्रग जो ब्रेन की क्षमता को बढ़ाता है उसके बारे में लिखना है, उसे क्लासिफिकेशन लिखना है, किस तरह से काम करता है। तीसरा है, शॉर्ट नोट ऑन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक क्या, जो थ्रोम्बस बन गया है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशंस। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशंस लिखने का है। व्हाट इज सेंट्रल मसल रिलैक्सन। सेंट्रल मसल रिलैक्सन क्या होता है उसके बारे में लिखना है आपको, कम से कम 3 पेज भी तो लिखने होना क्योंकि 3 मार्क्स का है। व्हाट इज एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स एंड राइट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एडिनर्जिक। एडिनर्जिक्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है। डिफाइन ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या है, ये क्वेश्चंस हर साल प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, इसके ट्रिपल रिस्पॉन्स वगैरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ कर जाने का। क्वेश्चंस नंबर 8 है, राइट अबाउट मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस क्या, इसके अंदर मसल लूज हो जाती है और क्लासिफिकेशन लिखना है, इसके अंदर कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाएंगे। फिर क्वेश्चंस नंबर 9 है, डिफाइन डेफिनेशन लिखनी है, क्लासिफिकेशन लिखने का, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जो न्यूरॉन्स है उसको ब्लॉक करने वाले कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं और वो लिखने का, उसकी डेफिनेशन लिखने का। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ फार्माकोलॉजिकल, तो ये देख लिया अपन ने इसके अंदर, राइट अ शॉर्ट फार्माकोलॉजिकल एक और ऐड कर लेना है, का आपको मॉर्फिन्स वगैरह का पूछ सकता है या एसिटिल कोलिन वगैरह का पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐड कर लेना। क्वेश्चंस नंबर 10 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी डायरियल ड्रग्स। एंटी डायरियल ड्रग्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने का है। और 11 क्वेश्चन है, डिफाइन एनसेट, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में लिखने का आपको, इसका पूरा एस्पिरिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।